हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूरदर्शन पे आने वाली पुरानी ऐड यानी प्रचारों की, जिसे देखने पर आपको पक्का बचपन की याद आ जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ये फेविक्विक की फनी ऐड, जिसे आज भी जितनी बार देखो उतना ही अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों एक बार फिर से ये फेविक्विक का ही ऐड, जिसमें एक बंदा फेविक्विक के सहारे मछली पकड़ कर तुरंत चला जाता है। वहां पे बैठे दूसरा बंदा सिर्फ उसका मुंह देखते रह जाता है। चुटकी में जी। अब तीसरे नंबर पे आती है ये फेविकॉल की ऐड, जो उस समय भी और आज भी देखने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे ऐड की, जिसमें गंगाधर, शक्तिमान और बच्चों के साथ ये पोगो का ऐड किए थे। अरे जोजो को गोरिल्ला ने पकड़ लिया। लो गंगाधर गोरिल्ला से लड़ पड़ा, मिला ऐसा झटका वो आसमान में जा अटका। अरे क्या कर रहे हो, अरे गोरिल्ला वहां से गिर जाएंगे। बचा, डोंट वरी बच्चे लोगो, शक्तिमान लाया पोगो। शक्तिमान टेस्टी क्रंची पोगो, खाओ मौज बनाओ। पोगो खा के गोरिल्ला भी दोस्त बन गया, मस्ती भी क्रंची भी। और याद है दोस्तों, उस समय ये रसना का भी ऐड आती थी, जिसे देखकर हम लोग भी रसना मंगाकर पिया करते थे गर्मियों में। पापा को नहीं चाहिए, अब मम्मी क्या करेगी। हाँ और उस समय की सबसे फनी ऐड में यही ऐड आती थी दोस्तों, ये एमसील वाली ऐड। ये ऐड किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अरे ये बात मत पिलाना बाबा। बाबा ये क्या है बाबा, बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। हाँ मांगे भाई, बाबा पहले किसी के पास। देखिए ये गलत बात है, देखिए। हाँ कह रहे हैं। हाँ बाबा बड़ा है तो एक जीरो बड़ा एक और। हाँ एक और बाबा, लास्ट कुछ लास्ट। भाई दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, घर में रखिए एमसी हमेशा। और उस समय गर्मियों में ये ऐड ग्लूकोन-डी का बार बार दिखाया जाता था, इसे देखने पर बचपन की बहुत याद आती है। गर्मियों में भैया धूप गुर्रा, बॉडी ग्लूकोज चूसे उसे मजा है। गर्मी में बच्चे करते अफसोस, धूप हर दम पिए बॉडी ग्लूकोज। पानी,
पानी तो सिर्फ प्यास बुझाए, इसीलिए सिर्फ पानी नहीं उसमें ग्लूकोन डी मिलाए। ग्लूकोन डी बॉडी ग्लूकोज लौटाए, शक्ति जगाए, एनर्जी से भरे बच्चे मारे सिक्स, धूप की हो जाए टाइट टाइट फिस। ग्लूकोन डी उस समय शक्तिमान की एक और ऐड आती थी दोस्तों, लेकिन ये ऐड उतना टीवी पे नहीं दिखाया जाता था। परंतु अब मुझे शक्तिमान कहते हैं, मगर आप तो महाशक्तिमान है पितामह। परंतु हम दोनों की शक्ति का रहस्य एक ही है वत्स, शर्मायु का किशोरामृत। यदि हमारी माताओं ने बढ़ती उम्र में किशोरामृत ना पिलाया होता तो न तुम होते शक्तिमान, न मैं होता महाशक्तिमान। हमारे परिवार की सुंदर काया, ये शक्ति, ये स्फूर्ति शर्मायु के किशोर अमृत की देन है। शर्मायु का किशोर अमृत, बढ़ते बच्चों के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक। उस समय ये बूमर वाली भी ऐड दिखाई जाती थी, बूम बूम बूमर, आप लोग को याद ही होगा। देखा, यहाँ पर हमेशा सब कुछ ठीक चलता है। और 90 के दशक का सबसे अच्छा साबुन यही थी दोस्तों, निरमा वाली, और इसका एड भी देखने में बहुत अच्छा लगता था उस समय। वो निरमा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया, लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी, जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गए, किसे? आपकी पारखी नजर और निरमा सुपर दोनों को। अब निरमा सुपर, धुलाई का सुपर दम। उस टाइम एक ऐड आती थी जिसमें काजल के साथ साथ एक मगरमच्छ, और उस समय ये मिंटो फ्रेश वाली चॉकलेट की भी ऐड आती थी जो देखने में बहुत अच्छी लगती थी। मजनू लगा मनाने, उतने में डबका खोटा सिक्का, फिल्मी स्टाइल में बोली लैला, रानी पानी मजनू की पार्टी में हुई हलचल, बोले वेट दैट्स माय गर्ल, प्रूव इट, मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश, लैला फिर से हुई इंप्रेस। और इस बार भी मजनू ने कुछ नहीं किया, जो किया मिंटो फ्रेश की ताजगी नहीं किया। तो याद रहे, लैला को करना हो इंप्रेस तो हर मजनू को खाना होगा मिंटो फ्रेश। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।